नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है पेट में गैस किन कारणों से बनती है। दोस्तों, पेट में गैस बनना एक आम समस्या है। आज छोटी उम्र से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक हर उम्र के व्यक्ति को गैस की समस्या है। हालांकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी बॉडी की नेचुरल प्रोसेस है। ज्यादातर लोग दिन में 5 से 15 बार गैस निकालते हैं, लेकिन कुछ लोगों में गैस की समस्या अधिक होती है, जिसकी वजह से उनको पेट में दर्द, भूख न लगना, उल्टी, दस्त होना, पेट फूलना आदि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पेट में गैस किन कारणों से बनती है, जिससे आज के बाद आप कभी भी इस विषय में मिसलीड ना हो पाओ। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, ज्यादा हवा अंदर ले जाना। दोस्तों, आप जो भी गैस पास करते हैं वह किसी ना किसी तरह आपकी आंतों में पहुंचती है। यह तब हो सकता है जब आप मुंह से हवा को अंदर लेते हैं। आपकी आंतों में कुछ गैर बैक्टीरिया और वहां रहने वाले अन्य रोगाणुओं से बनती है। अगर आपको बहुत ज्यादा गैस बनती है तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि आप बहुत अधिक हवा अंदर ले जा रहे हैं। उसमें से कुछ हवा डकार के रूप में तो कुछ हवा गैस के जरिए बाहर आती है। नंबर 2, कमजोर डाइजेशन। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ शरीर में ऐसे एंजाइम्स का बनना कम हो जाता है जो खाने को पचाते हैं और बैक्टीरिया को दूर करते हैं। लेकिन आजकल कम उम्र में भी कमजोर डाइजेशन की समस्या रहने लगी है, जिसके कारण भोजन पूरा पचने की बजाय पेट में सड़ने लगता है और गैस का रूप ले लेता है। नंबर 3, कार्बोनेट ड्रिंक्स। दोस्तों, कार्बोनेट ड्रिंक्स जैसे बियर, सोडा या कोई भी बुलबुले वाले ड्रिंक्स पेट में गैस बनाने का काम करते हैं। अगर आपको कार्बोनेट ड्रिंक्स पसंद है तो इसे पीना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एक बड़ा कारण है गैस बनने का। नंबर 4, अनियमित जीवन शैली। दोस्तों, आजकल अगर हर उम्र के लोगों में गैस की समस्या रहने लगी है तो इसका कारण हमारी अनियमित जीवन शैली भी है, जिसमें तनाव, गुस्सा और चिंता में रहना सामान्य सी बात हो गई है। इसके कारण गैस बनना भी एक आम समस्या बन गई है, क्योंकि ज्यादा तनाव और गुस्से में रहने से पेट में पाचक रसों का स्राव कम होने लगता है, जिससे अपच रहने लगती है। इसके अलावा सोने और जागने का निश्चित समय नहीं होना, सही समय पर भोजन नहीं करना और अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करना जैसी आदतों की वजह से भी गैस बनती है। तला भुना खाने से परहेज करें। दोस्तों, अगर आप ज्यादा तला भुना खाते हैं तो आपको गैस की समस्या होना लाजमी है। ज्यादा तला भुना खाने से न सिर्फ गैस की समस्या हो सकती है, बल्कि कब्ज और अपच भी हो सकता है। इसके अलावा थोड़ा सा एक्टिव रहकर भी आप अपनी इस समस्या से खुद को राहत दिला सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरह की नई वीडियोस आपको रोजाना मिलता रहे। धन्यवाद।